रमजान आता है, हम तलाश शुरू कर देते हैं ठंडे ठार तरह तरह के ड्रिंक्स की और साथ ही फ्राइड आइटम्स की भी। ये सब आपको हम बनाना सिखाएंगे किचन 123 में। उसके लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहे, बनाते रहे, खुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाए। तो आज के अगर 123 में दो ड्रिंक्स बन रहे हैं। पहले तो सिंपल सा है, दूध सोडा। दूध सोडा में हम इस्तेमाल करेंगे बेजल सीड्स या तुखम मलंगा को। बेजल सीड्स और चिया सीड्स में फर्क होता है। ये जो तुखम मलंगा है इसको बेजल सीड्स कहा जाता है, चिया सीड्स एक डिफरेंट चीज का नाम है। तो इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है कि इसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भूल जाते हैं। फिर जिस भी हमने ड्रिंक में इसको इस्तेमाल करना हो आसानी से किया जा सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि एक ग्लास दूध सोडा बनाने के लिए आपको कितनी मिकदार में चीनी इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में तुखम मलंगा, ताकि आपका जो ड्रिंक बने ऐसा ना हो कि कभी अच्छा बन गया और कभी बुरा बन गया, एक जबरदस्त किस्म का ड्रिंक तैयार हो। तो उसके लिए यही करते हैं कि एक टेबल स्पून तुखम मलंगा को लेके, ये मेरा मेजरिंग स्पून एक खाने के चम्मच के बराबर है, थोड़ा सा और भी डाल देती हूं, इस कप में चला गया, और तीन चार खाने के चम्मच जितना ही पानी इस पे मैं डाल दूंगी। जरा सा मिक्स कर दिया तो हम मलंगा पानी को जस्ब करके फूल जाता है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से ये काम हो जाता है 10-12 मिनट में ही। तो इसको रखते हैं एक तरफ और दूध के अंदर चीनी को मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर में एक कप दूध है मेरे पास, दो खाने के चम्मच है ये चीनी। दूध सोडे को हमने ठंडा ठार ही पेश करना होता है और सोडा भी आपके पास लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। या तो सोडा वाटर की बोतल ले लें या फिर कोई भी व्हाइट कोल्ड ड्रिंक जैसे स्प्राइट ले लें या सेवन अप ले लें, वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर एक वो जो एक सेंसेशनल सी फीलिंग होती है वो इसी की वजह से व्हाइट कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर की वजह से पैदा होती है। बहुत मजे का ड्रिंक लगता है रमजान हो या गर्मियों की कोई दोपहर हो। दूध सोडा सभी शॉप से पीते हैं। ये देखें अभी से तुखम मलंगा के बीच जो है वो फूलना शुरू हो गए हैं। अगर हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर लें तो ठीक से हमारा जो भी मशरूम हम बना रहे हो वो नहीं बन पाता। ये मेरे पास मौजूद है सेवन अप की बॉटल और रेशो हम ऐसे रखते हैं कि तिहाई कप ग्लास को भरते हैं सफेद कोल्ड ड्रिंक से और बाकी ये जो दूध का मिक्सचर बना रहे हैं इससे हम अपने ग्लास को भरेंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छी तरह से चीनी घुल चुकी है और आप देखें 5 मिनट में ही तुखम मलंगा फूल गया है। अगर आपको लगे बिल्कुल ही खुश्क है तो जरा सा और पानी डाल दें, एक आधा टेबल स्पून। एक ग्लास के अगर तीन हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से को मैंने भर लिया कोल्ड ड्रिंक से। अगर आप चाहें तो आप आधा ग्लास भी कोल्ड ड्रिंक से भर सकते हैं। ये जब तुखम मलंगा पानी जस्ब करने के बाद फूल गया है उसके बाद मैंने दो खाने के चम्मच जितना तुखम मलंगा जो है वो दूध के अंदर मिला दिया है। इसको हटा देती हूँ और ग्लास में ये तुखम मलंगा मिला दूध ऐड कर देती हूँ और इसको ठंडा यख बनाने के लिए बर्फ के क्यूब। ये बर्फ के क्यूब्स चले गए। गरम दूध सोडे का कोई फायदा नहीं है, कोई मजा ही नहीं है। तो बर्फ डालेंगे हम खूब सारी और ठंडा करने के बाद ही सर्व करेंगे। तो तैयार हो गया हमारा एक बड़े वाला ग्लास दूध सोडे का। आज का
सेकंड ड्रिंक बन रहा है बहुत ही जबरदस्त किस्म का खोया खजूर शेक, जो आप बाजार से पीते हैं लेकर, लेकिन आज घर में बना के पिए। खजूर का जब आप शेक बनाते हैं तो बाजू का ऐसा होता है कि खजूर के पीसेस शेक के अंदर रह जाते हैं और उस तरह का स्मूथ वाला शेक हमें नहीं मिलता जैसा कि हमें बाजार से पीने को मिलता है। तो उसके पीछे राज ये है कि हमने दूध के अंदर खजूर को भिगो कर रखना होता है कम से कम 3 घंटे के लिए। तो खजूर जो है वो नर्म हो जाती है और जब हम उसको ब्लेंडर में डाल के उसका शेक बनाते हैं तो वो आसानी से एक स्मूथ किस्म की। तो सबसे पहले तो ये कि एक ग्लास बनाने के लिए हमें कितनी खजूरों की जरूरत है, तो 13 खजूरें मैंने ली और उसका ऊपर वाला हिस्सा जो ये होता है इसको भी हमने निकाल देना होता है और दरमियान में कट लगा के गुठली भी निकाल देते हैं। तमाम खजूरों की मैंने गुठलियां निकाल दी। खजूर के ऊपर ये जो हिस्सा होता है और अंदर जो इसकी गुठली होती है ये सब खजूरों में से मैंने निकाल दी और इन खजूरों को मजीद छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगी और फिर दूध में डाल के 3 घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद हम खोए के साथ इसका शेक बनाएंगे। खोया जो है वो आसानी से आपको जहां पर दूध दही की जो भी दुकान होती है वहां पर मिल जाता है, वहां से आप पता करें तो आपको ताजा खोया वहां से मिल जाएगा। और ऐसा करते हैं कि इन खजूरों को छोटे पीसेस में मजीद डिवाइड कर देते हैं। ये बड़ी स्टिकी सी होती हैं खजूरें, बड़ी अच्छी वाली सॉफ्ट खजूरें हैं, एक हार्ड वाली खजूरें भी होती हैं और रमजान में तो खजूर का खास तौर पे काम है कि हम रोजा भी खजूर से खोलते हैं, खजूर शेक भी शौक से पीते हैं। खजूर अच्छी क्वालिटी की होगी तो उतना ही टेस्टी जो कुछ भी आप तैयार कर रहे होंगे वो बनेगा। तो इसकी अच्छी सी खजूर लें चेक करके, अभी भी देखिए कितनी ये स्टिकी है कि ये मेरी छुरी के ऊपर चिपके जा रही है। इसीलिए इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया कि खजूर इटसेल्फ इतनी मीठी होती है कि किसी एडिशनल मिठास की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें 1 टेबलस्पून शहद का डाल सकते हैं उसके जायके में इजाफा करने के लिए। खजूर को नर्म करने के लिए आप ये करें, 3/4 कप दूध लिया और ये जो गुठली निकाल के खजूर के पीसेस हैं ये इसके अंदर आप डाल दें और इसको आपने रखना है फ्रिज में क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, अगर आप बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। 3 घंटे बाद मिलते हैं और फिर बनाते हैं खजूर खोया शेक। खजूरों को दूध में भिगोए हुए 3 घंटे हो गए हैं, ये देखें दूध का रंग भी जो है वो हल्का सा ब्राउनिश सा हो गया है खजूर के असर से। अगर आपके पास इतना वक्त मौजूद ना हो कि आप इतनी देर खजूर को भिगो सके तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खजूर की गुठली निकालने के बाद, जैसे अगर आपने 4 ग्लास भी बनाना है तो उसमें खजूरें और सिर्फ 1 ग्लास दूध का डाल के ब्लेंडर के अंदर डाल के उसको ब्लेंड कर लें। अगर दूध की बहुत ज़्यादा आप मिकदार डालेंगे तो फिर खजूर का पिसना और तमाम के तमाम खजूर का अच्छी तरह से पेस्ट सा बन जाना मुश्किल हो जाएगा। कम दूध की मिकदार डालेंगे तो आराम से वो ब्लेंड हो जाएगा। बहरहाल हमने जो है वो इसको भिगो के रखा और अब इसको हम ब्लेंडर में डालते हैं। साथ ही मेरे पास मौजूद है ये खोया जिसकी वजह से ये मज़ेदार भी बनेगा और ये फीका खोया है, ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। जैसे 2 बड़े साइज के लीमू होते हैं उसके बराबर ये 2 मैं इसमें डालूंगी। जग में डाल रही हूँ मैं खजूर और दूध को और साथ ही खोया भी डालूंगी और ब्लेंड करती हूँ। 2 बड़े लीमू के साइज इतना ये खोया है, फीका खोया मैंने लिया, ये बड़ा रिच होता है और बड़ा फुलफिलिंग किस्म का ये ड्रिंक है। ढक्कन अच्छी तरह लगाते हैं, हाफ कप ठंडा दूध और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले ये बहुत ही ज्यादा थिक हो गया था, अब ये थोड़ा सा रनी हो गया है, अभी भी थिक है लेकिन पहले के मुकाबले में इसकी थिकनेस को हमने दूध डाल के एडजस्ट कर लिया। किचन 123 में रमजान की 2 जबरदस्त रेसिपीज दूध सोडा और खजूर खोया शेक आज तैयार किए गए, बहुत ही जबरदस्त बने और देखने में भी बहुत खुशकल। जरूर बनाएं, मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।